मरीन लाइन के लिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे है अभी फिलहाल। मरीन लाइन जाने के लिए मुंबई लोकल ट्रेन में जाएँ और अभी हमारी प्लेटफॉर्म में 4 पे आने वाली है ट्रेन, उसका इंतज़ार करें और मरीन लाइन चलते हैं, मरीन ड्राइव देखने के लिए। मुंबई लोकल ट्रेन का सफ़र आज पहली बार होने वाला है, आपको मैं दिखाऊँ। ये टिकट मुंबई सेंट्रल से हमने ली है चर्च गेट या मरीन लाइन के लिए भी 5-5 रुपये एक व्यक्ति के, तो हम दो जने हैं तो 10 रुपये। इतनी अच्छी प्रिंटेड टिकट मिलती है यहाँ पे। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे बैठे हैं मरीन लाइन जाने के लिए, वहाँ से अब मरीन ड्राइव जाएंगे, आपको वहाँ का भी बताएंगे। चर्च के उतर गए हैं, अब यहाँ से मरीन ड्राइव जा रहे हैं, पास में ही है और ये लोकल ट्रेन खड़ी, इसमें हम आए अभी फिलहाल में, अभी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, मिलते हैं आपको। तो गाइस ये चर्च गेट, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, पीछे तक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लास्ट ट्रेन का स्टॉप है, ये लोकल ट्रेन खड़ी है, हम इसमें आए थे अभी। मरीन ड्राइव आ गए अभी फिलहाल में, देख सकते हो यहाँ पे वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, एयर इंडिया की लोगो लगा हुआ है, आज पत्थर दिखने लग गए ये, वो है वानखेड़े स्टेडियम, बहुत ही ज़्यादा दूर है। ये सामने दिख रही है ये वाली है एयर इंडिया की बिल्डिंग, लोगो बना हुआ है ये। यहाँ टैक्सियाँ भी खड़ी है, उधर जाके आपको दिखा। तो गाइस ये है वानखेड़े स्टेडियम, बिल्कुल पास में उसकी लाइटें दिख रही है, ये मरीन ड्राइव है, जो ये पत्थर है ये फ्रांस से मंगवाए गए हैं ये वाले, देख सकते हो पानी आज कम है वैसे, ये पत्थर दिख रहे हैं रोज नहीं दिखते हैं ये वाले, बहुत बड़ी है। तो गाइस ये क्रिकेट एकेडमी और इस तरफ है चर्च गेट, बहुत बड़ा चर्च है पुराना, उसमें हाई कोर्ट मुंबई का है, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट। ये क्रिकेट एकेडमी है, यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे और हम ऐसी लेन में चल रहे हैं। तो गाइस हम इतनी धूप में अभी थोड़ा छाव में आए, यहाँ गार्डन बना हुआ और इस तरफ क्रिकेट एकेडमी है, यहीं से हम जा रहे हैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद जाएंगे वहाँ से एलिफेंटा, पसीना पसीना हो गया थोड़ा, अभी ठीक हुआ है बस, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। ये डबल टेकर बस जा रही है यहाँ पे, बहुत सारी है और आ रही और आ रही और आ रही।
देख रहे हैं निकालने ये नहीं।